अस्सलामु अलैकुम माय ट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चोको चिप्स कुकीज़, जो बहुत ही टेस्टी है और बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। और किस तरह से वो एक्चुअल कुकीज़ बना है मैं आज तोड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बना है ये और बहुत ही मज़ेदार है ये कुकीज़। तो नॉर्मली घर में एकदम सिंपल और ईजी तरीके से किस तरह से बना सकते हैं, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो कुकीज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सबसे पहले मैं वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख दिया। तो हमें बटर चाहिए, तो बटर रूम टेम्परेचर में होना बहुत ज़रूरी है इस कुकीज़ के लिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। तो मैदा यहाँ पे मैं एक कप से थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ, और बटर में यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम्स बटर चाहिए हमें। और साथ में चाहिए हमें 30 ml कोको पाउडर। तो ये पूरा 30 ml नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम है, तो आप देख सकते हो 30 ml से हाफ होगा यहाँ पे। और साथ में चाहिए हमें पाउडर शुगर। तो पाउडर शुगर मैंने यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है, तो ये आपके हिसाब से डाल सकते हो। अगर ज़्यादा मीठा चाहते हो तो ये आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। और साथ में चाहिए हमें 1/2 tbsp बेकिंग पाउडर, और साथ में चाहिए हमें वेनिला एसेंस। तो 2-3 ड्रॉप्स में डालूंगी लास्ट में, तो आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बोल लेना है हमें, और इस बोल में सबसे पहले मैं बटर डालूंगी। तो देखिए बटर जो मैंने लिया है वो रूम टेम्परेचर में होना बहुत ही ज़रूरी है। और बटर डालने के बाद उसको एक चम्मच से स्मूथ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा बटर भी डाल दिया है, और अभी एक चम्मच से थोड़ा सा टाइम लगा के बटर को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। और बटर थोड़ा सा स्मूथ होने के बाद यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर भी डाल दिया, और पाउडर शुगर और बटर को अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। आप चाहे तो 4 मिनट के अंदर इसको बना सकते हो। और अभी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे छन्नी ले लिया, और इसमें मैदा डाल दिया, कोको पाउडर डाल दिया, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद मैं अच्छी तरह से छान लूंगी। इस तरह से छानना भी बहुत ज़रूरी है, और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा, और कुछ कुटली वगैरह रहेगा तो वो भी छन्नी में आ जाएगा। तो जो बिस्किट बनेगा बहुत परफेक्ट बनेगा। और अभी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड मिल्क ऐड कर सकते हो अगर ज़्यादा ड्राई लगेगा तो। तो यहाँ पे मैंने वेनिला एसेंस 4 ड्रॉप डाल दिया है यहाँ पे। तो आप फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस बिस्किट के लिए वेनिला एसेंस का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए इस तरह से। और अभी देखिए मैं यहाँ पर 1/2 tbsp दूध ऐड कर लिया है। तो ये दूध भी रूम टेम्परेचर में होना बहुत ज़रूरी है, तो एक साथ में मैंने नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालना बहुत ज़रूरी है। और अभी देखिए मैं चम्मच यूज़ नहीं करूँगी, हाथ से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह मिक्स करने से परफेक्टली मिक्स हो जाएगा। और साथ में कुछ चोको जो चिप्स होता है, चोको चिप्स, वही मैंने डाल दिया। और चोको चिप्स डालने के बाद में थोड़ा सा फिर से भी मिक्स कर लिया। और अभी देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट डो रेडी हो गया है। तो अभी मैं बिस्किट बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ओपन प्रूफ बाटी ले लिया है, और इसमें बटर ग्रेस करके ऑलरेडी रख दिया है। तो आप चाहे तो ओवन का जो ट्रे होता है उसी में भी आप बटर पेपर डाल के आप बना सकते हैं। तो मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ, इसलिए बाटी का यूज़ करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा बॉल लिया है, और उसको हाथ से अच्छी तरह से घुमा के प्रेस करके एक बिस्किट का शेप दे दिया, और ऊपर से जो चोको चिप्स होता है वही मैं डाल दिया ऊपर से। और बहुत सुंदर होता है ये बिस्किट, आप जब बनाओगे तो आपको फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार एक फ्लेवर आता है जब बेक होता है। तो मैं ओवन में बेक कर रही हूँ 15 मिनट के लिए, मैं यहाँ पे रख दूँगी। और टेम्परेचर मैं यहाँ पे 150 से कम रखा है, और आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने ओवन से निकाल लिया है, अभी बहुत ही गर्म है, और बिस्किट देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो इस तरह से आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये बिस्किट अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।